नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्यारे से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस बार से संस्कृत का बी सेट लिया है, क्लास 10th का है ना, बी सेट है। और ये समय रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का। और आपका जो कुल मुद्रित जो पृष्ठ है वो 7 रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी 18। तो यहाँ पर आपने सेट एक ही तरह इसमें कुछ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सुंदर राइटिंग दिखना चाहिए, ऐसा करके शुरू में दे दिया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। शुरू में नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 नंबर का पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है अपने को, ठीक है। विग्रह पादनम समाजिकम शब्दम लिखा नमिनम लिखत, इसका अपने को सामाजिक शब्द लिखना है, ठीक है। तो निर्देश अनुसार त्रिशु व छेशु धातु रूपाणी लिखत, मतलब इसके धातु रूप को लिखना है। उसमें दिया गया है लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, उसमें दिया है, अपने से बता दूँगी। अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, मतलब ये जो अपने को ये दे दिया है, विलासा विलासा बाला बालेसा क्रीडती इसमा, मतलब जो विलासा थी वो बाल्यावस्था में शैशव अवस्था में क्या करती थी, वो अन्य बच्चों के साथ खेलती थी। तस्य बालकानां क्रीडनं क्रीडनं रुचते, है ना, उसे लड़कों के खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। विलासा अजमय साहसिक आसिद, मतलब वो बहुत ही साहसी थी, यही है इसका आंसर, ठीक है। आप पूंजी खोल के देख ले रहे हैं, वही होगा, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे इस कमेंट में पूछते हैं कि सर कैसे सॉल्व होगा, तो मैं बता दूँ इसका अपने को हिंदी में देखना है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर आ लिए आपका पेज नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बगैर किसी देरी के देख सकते हैं आप यहाँ पर अधोलिखित चतुर्वाणी प्रश्न उत्तर, मतलब ये प्रश्न के उत्तर देने को, ठीक है, हिंदी भाषा में। और पाठ्य उससे चतुर्थ सूक्ति, मतलब 4 सूक्ति लिखना है, ये आप कंठस्थली करके जाइए नेक्स्ट पेज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एप्लीकेशन दिए हैं, इसके यहाँ पर हिंट दिए गए हैं बीच बीच में, इसको यहाँ पर आपको टिक करके भरना है, सही जगह पर सही वर्ड को भरना है, ठीक है। यहाँ पर अधोलिखित अपठितार्थ पठितत्व निर्देशन संस्कृत भाषा उत्तर, मतलब इसके अनुसार से इसको पढ़ के संस्कृत भाषा में उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज, और निर्देश अनुसार वही वाला जो पहले दिया है उसी का आंसर क्वेश्चन है। दो यहाँ पर श्लोक लिखने अपने को, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे है ये दोस्तों, है ना, यहाँ पर उचित संबंध चित्व लिखिए नेक्स्ट पेज। दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका पेज नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका उचित संबंध जोड़िए नेक्स्ट पेज। दोस्तों ये आपका रिक्त स्थान है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पढ़ना है। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्तों को इस वीडियो की मदद से हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।